इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताया, सीएम सलाहकार विधायकों को स्पेशल सिक्योरिटी देने की तैयारी कर रहे हैं। इन विधायकों के जीवन को संभावित खतरे के आधार पर इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इंटेलिजेंस पुलिस ने सरकार से सुरक्षा देने की अनुशंसा की है। इंटेलिजेंस पुलिस का वाई श्रेणी स्तर की सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। फिलहाल मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। प्रस्ताव में 2 PSO और 1 हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल की स्टैटिक गार्ड सभी विधायकों को पहले से मिला हुआ है। एक एक PSO मुख्यमंत्री की सहमति के बाद जारी किए जाएंगे सुरक्षा आदेश। तो पहले से सुरक्षा में तैनात है तमाम लोग। एक एक PSO मुख्यमंत्री की सहमति के बाद जारी किए जाएंगे सुरक्षा आदेश को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल विष्णु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। विष्णु, क्या कुछ इस अनुशंसा में कहा गया और क्या लगता है कि इस पर कब तक जो है मुहर लग सकती है? बिल्कुल अभिनव, मैं आपको बता दूं कि जो अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री के 6 सलाहकार बनाए गए थे विधायक, उनको वाई श्रेणी के समकक्ष सुरक्षा देने के आग्रह किया गया है, क्योंकि वाई श्रेणी की सुरक्षा में 2 PSO के साथ 1-4 की गार्ड होती है, जबकि जो ये विधायक है उनको 1-3 की गार्ड दी जा रही है, 1 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल उनको दिए जाएंगे जो घर पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा जो 2 PSO है वो उनके साथ लगातार 24 घंटे की ड्यूटी में रहेंगे, और 1 PSO पहले उन्हें मिला हुआ है, क्योंकि हर विधायक को 1 PSO मिला हुआ है। ऐसे में उनके पास 3 PSO हो जाएंगे और साथ में स्टेटिक गार्ड होगी, घर के बाहर गार्ड होगी। और एक तरह से क्योंकि जो प्रदेश में सुरक्षा दी जाती है वो 2 आधार पे दी जाती है, एक तो पद के आधार पे दी जाती है और एक खतरे की संभावना के लिए, क्योंकि इनको मुख्यमंत्री का सलाहकार तो बना दिया लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसा पद नहीं है जिसपे सुरक्षा दी जाए जो नियमों में हो। तो ऐसे में उनके जो इंटेलिजेंस है उन्होंने जीवन के जो संभावित खतरा है उसके आधार पर सुरक्षा देने की प्रस्ताव भेजा है, और ये प्रस्ताव अब मुख्यमंत्री के पास जाएगा और वहां से अनुमति होगी, उसके बाद जारी किया जाएगा। पिछले दिनों हमने देखा था कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी और रघु शर्मा को भी सुरक्षा दी गई थी, वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। ऐसे में संभावना यह है कि इन सभी जो सीएम के सलाहकार बनाए गए हैं, 6 विधायक, उनको भी ये सुरक्षा मुहैया करवा दी जाएगी और इसके आदेश जल्दी हो जाएंगे। साथ ही एक बात और बतानी है कि दर्शकों को कि खतरे से ज्यादा संभावना, क्योंकि पहले विधायक ये लगातार चलते थे और अभी भी उसी हिसाब से सब जगह जाना है, लेकिन क्योंकि ये मुख्यमंत्री के सलाहकार बना दिए गए और संभावना ये थी अगर ये विवाद नहीं होता तो इनको एक गाड़ी और जो सुविधाएं है, तमाम सुविधाएं सुरक्षा की वो दी जानी थी, लेकिन अब इनके खतरों के आकलन के आधार पर, यानी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आकलन के आधार पर इन्हें सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि सुरक्षा भी प्रदेश में स्टेटस सिंबल हो गया है कि घर के बाहर गार्ड रहेगी जैसे मंत्रियों की रहती है, तो ऐसे में उनका प्रभाव ज्यादा रहता है और साथ में PSO लगातार चलते रहेंगे। तो ये जो एक स्टेटस सिंबल है उसके तहत इन जो 6 सलाहकार बनाए गए हैं उनको ये प्रस्ताव भेजा गया, और संभवतः ये समझे 1-2 दिन में या उसमें इनके आदेश होने की संभावना है। चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।